हमारा देश हमेशा से अपने रिच कल्चर के लिए जाना गया है, और हमारे कल्चर की एक खूबसूरत बात ये भी है कि हम भारतीय सब कुछ संजो के रखते हैं, फिर चाहे वो हमारी दादी के गहने हो या दादाजी की कोई पुरानी किताब। लेकिन आजकल के इस यूज एंड थ्रो वाले जमाने में कोई चीज पुरानी हुई नहीं कि वो सीधा डस्टबिन में जाती है, और बेचारा अखरोट भी इस यूज एंड थ्रो कल्चर का शिकार है। अखरोट को उसके परिवार ने इसलिए अबैंडन कर दिया था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। वो बात अलग है कि अपने जमाने में वो एक हैंडसम और तगड़ा डॉग रहा होगा जिसने कई साल उनके घर की चौकीदारी की होगी, लेकिन अब वो उनके किसी काम का तो रहा नहीं, तो ऐसे बूढ़े डॉग की जिम्मेदारी कौन उठाए। तो उन्हें उसे घर से बाहर मरने के लिए छोड़ देना ज्यादा कन्वीनियंट लगा। सड़क पर रहते हुए अखरोट को खाना मिलना तो दूर की बात, उसे फंगल इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन हो गए थे। वो इतना कमजोर हो गया था कि उससे चला भी नहीं जाता था। फार्म पर आते ही उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। उसे दवाइयों के साथ साथ कोकोनट ऑयल से मसाज भी दी जाती थी। धीरे धीरे उसकी हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट भी आने लगी, और अब वो थोड़ा बहुत खाना भी खाने लगा था, और उसके शरीर के सारे बाल भी वापस आ रहे थे। उसकी फिजिकल हेल्थ तो ठीक हो रही थी, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ फिर भी बहुत खराब थी। हम समझ गए थे कि उसके परिवार ने उसके साथ जो किया था उससे वो डिप्रेस था। अखरोट की मेंटल हेल्थ बेहतर हो सके इसके लिए हमने उसे वॉक्स पर ले जाना शुरू कर दिया, उसकी एनरिचमेंट शुरू कर दी। लेकिन एनरिचमेंट के दौरान भी वो हमसे नजरे नहीं मिलाता था। उसे ना तो ट्रीट्स का लालच था, ना ही बाहर घूमने जाने का। फिर फार्म पर कुछ ऐसे वॉलंटियर्स आए जिन्हें अखरोट में कुछ ऐसा दिखा जिस वजह से वो सिर्फ उसी के साथ समय बिताना चाहते थे। जैसे हम उसके साथ और वक्त बिताने लगे, वह खुश होने लगा, वह हमसे घुलने मिलने लगा, और हम पेड़ों की छाया में बैठते और वह अपना सर मेरे लैप पर रख के सो जाता। वो बिल्कुल ही अलग रहता था सबसे, बहुत ही सैड, मायूस जिसको कहते हैं। तो फिर मैंने अखरोट के साथ वॉक्स करनी शुरू कर दी। हम इसी एरिया में आके पूरे दिन बस बैठे रहते थे। उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस चाहता है कि उसके साथ कोई बैठे, प्यार करे और कोई कंपनी दे, तो वो बस अकेले नहीं रहना चाहता। हमारे वॉलंटियर्स के इसी प्यार से अखरोट ने लोगों पर फिर से विश्वास करना शुरू किया। अब वो हमारे सभी वॉलंटियर्स के साथ वॉक्स पे जाने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अखरोट की जिंदगी में बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं है, उसे बस दो वक्त का खाना, कुछ वॉक्स और एक साथी चाहिए जो उसे अपने घर और दिल में जगा दे। अगर आपको लगता है कि वो साथी आप हैं, तो आज ही हमारी अडॉप्शन लाइन पे कॉल करें या फिर इस वीडियो को शेयर जरूर करें।